सो हे दोस्तों, यार क्या हाल चाल। देखो, अक्टूबर में आने वाली 10 बड़ी फिल्मों की लिस्ट में बना चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैंने डाल दी, जिस पर आपका अच्छा खासा रिस्पांस आया और काफी लोगों ने कहा कि पार्ट टू बनाओ। तो हाल फिलहाल के अंदर मैं पार्ट टू लेकर हाजिर हूँ। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो चैनल पर जा सकता है और 2-3 वीडियो पीछे करने के बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहां पर टॉप 10 अक्टूबर में आने वाली फिल्मों की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू में आने वाली 10 और बड़ी फिल्में। अब ये कौन सी होगी, उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले आपको और की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा, वीडियो चलेगी लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, तो कर लो यार सब्सक्राइब। तो फर्स्ट फिल्म होने वाली है द वुमन किंग, जो कि अमेरिकन हिस्टोरिकल एपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है गीना प्रिंस, जिसके लीड रोल में आपको वायला डेविस नजर आने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इस फिल्म की जो कहानी है वो मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगी, जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा है, जहां पर आपको दिखाई जाएंगी फीमेल वॉरियर जो अपनी किंगडम को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे बचाती है, कैसे सेव रखती है और क्यों क्यों उन्हें युद्ध करने पड़ते हैं, किस लिए करने पड़ते हैं, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को यूएस में तो पहले ही रिलीज कर दिया गया है, बट अब ये आपको इंडिया में भी 5 अक्टूबर से सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, जो आपको हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है द घोस्ट, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे परवीन, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले नागार्जुन, सोनल चौहान जैसे कलाकार। और इस फिल्म की जो कहानी है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त होगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा एक्स इंटरपोल का एक ऑफिसर यानी कि विक्रम, जो कि अंडरवर्ल्ड के लोगों की वाट लगाता है, और इंडिया में नहीं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर लगाता है, यानी कि ग्लोबली अब वो अंडरवर्ल्ड की वाट लगाने वाला है, यानी कि काफी ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है नागा अर्जुन का। और हाल फिलहाल में ब्रह्मास्त्र में तो आपने इन्हें देख ही लिया होगा। तो आपको बता दो, इस फिल्म को जो रिलीज किया जा रहा है वो रिलीज किया जा रहा है हिंदी में भी, जिसका नाम रखा गया है विक्रम द घोस्ट। वैसे ये फिल्म 5 अक्टूबर को तेलुगु भाषा में रिलीज होगी, लेकिन हिंदी में ये आपको 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिल पाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है नजर अंदाज, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विक्रांत देशमुख, जिसके लीड रोल में आपको कुमुद मिश्रा, अभिषेक बनर्जी, दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे। और इस फिल्म की जो कहानी है और कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इस फिल्म की जो कहानी है वो होगी एक 55 साल का बुड्ढा जिसका नाम होता है सुधीर, जो कि अंधा है, लेकिन उसके घर को हथियाना चाहते हैं कुछ लोग। वो कुछ लोग जो है वो अभिषेक बनर्जी और दिव्या दत्ता ही है। वो सोचते हैं भाई ये अपना घर जो है हमारे नाम कर जाए, और यही सब दिखाया जाएगा इस फिल्म। एक अच्छा खासा सोशल मैसेज भी आपको देखने को मिल पाएगा, और फिल्म के अंदर भर भर के कॉमेडी और आपको देखने को मिलने ही वाला है, जो आपको 7 अक्टूबर को देखने को मिल पाएगा, जिसके लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा दोस्तों। क्या हमेशा बंद करके रखता है, मुंह खोलो, जैसे खाना खाते ना वैसे चबाओ, है कुछ नहीं। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है चक्की, चक्की एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सतीश मुंडा, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले राहुल भट्ट, प्रिया जैसे कलाकार। और आपको बता दूं, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, जहां पर आपको कहानी दिखाई जाएगी विजय नाम के एक आम व्यक्ति की, जो कि अपनी लाइफ में सेट होना चाहता है, जिस वजह से उसने लगा ली एक चक्की। अब वो सोच रहा है मैं सेट हो चुका हूं, लेकिन जैसे महीना गुजरता है 1,60,000 का बिल आ जाता है एक महीने में उसकी चक्की का, उसे लेके वो ऑफिस पहुंचता है और वो ऑफिस खेलने लगता है। पूरी फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखा जा रहा है, जिसके अंदर आपको भर भर के कॉमेडी एक सोशल मैसेज भी दिखाई देने वाला है। और इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा, इसे भी 7 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा दोस्तों। मीटर भिजवाने का किस किस को पैसा चाहिए बता दीजिए, आइए लाइन में खड़े हो जाइए, सबको मिलेगा आज, आज सबको दे ही देता हूं मैं। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मोदी जी की बेटी, जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया एडिस सिंह ने, जिसके लीड रोल में आपको अवनी मोदी, साथ में विक्रम कोचर और पिताज भास जैसे कलाकार नजर आने वाले। और इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी ज्यादा कॉमेडी से भरी होने वाली है, जहां पर दिखाया जाएगा दो पाकिस्तानी आदमी जो कि जिहादी बनना चाहते हैं, यानी कि आतंकवादी बनना चाहते हैं, तो वो भाई मोदी जी की लड़की को उठा लाते हैं देश से। हालांकि वो सच में मोदी जी की लड़की नहीं है, लेकिन देश में सब उसे मोदी जी की लड़की ही कहते हैं। अब वो लेकर तो आ गए इस आफत की बुढ़िया को, लेकिन ये आफत की बुढ़िया यहाँ से वापस भी नहीं जाना चाहता। एक तरफ भाई साहब इंडिया की सरकार उसके पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार खुद उसके पीछे पड़ी है, और उन दोनों बेवकूफों ने मचाया है काफी ज्यादा बवाल। ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 14 अक्टूबर को, जो आपको सिनेमा घरों में ही देखने को मिल पाएगी दोस्तों। किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को। तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है ए जिंदगी, जो कि सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करें अरिंदम बोस, जिसके लीड रोल में आपको सत्यजीत दुबे, साथ में रेवती जैसे कलाकार दिखाई देने वाले हैं। और इस फिल्म की जो कहानी है वो ट्रू इवेंट में बेस होने वाली है, यानी कि एक सच्ची कहानी, जहां पर आपको देखने को मिलेगी एक 26 साल का विजय नाम का लड़का, जो कि भाई पेशेंट है लीवर क्राइसिस का। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टरों ने कहा है या तो तुम लीवर को ट्रांसप्लांट करा लो या फिर तुम आराम से अपने मौत के दिन गिनो। अब वो भाई जीना चाहता है, सबसे इस बात को छुपाना चाहता है, कुछ लोग उसके मदद करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म में, जिसमें आपको एक अच्छा खासा सोशल मैसेज भी देखने को मिलने वाला। ट्रेलर मैंने देखा, मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, फिल्म काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। और ये फिल्म भी आपको 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। कभी कभी
हमसे बहुत मांग लेती है पर जीना तो पड़ता है ना। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है कहानी रबर बैंड की, जो कि सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सरेका संजोत, जिसके लीड रोल में आपको प्रतीक गांधी नजर आएंगे, साथ में मनीष, और साथ ही साथ आपको दिखाई देने वाली है अविका गौर, जो कि आपने काफी सारे सीरियलों में देखी होंगी। आपको बता दो इस फिल्म की जो कहानी वो काफी ज्यादा जबरदस्त और काफी ज्यादा अडल्ट सी भी लग रही है, क्योंकि है ही अडल्ट। तो कहानी आपको देखने को मिलने वाली है रबर बैंड की, जिसे यूज करते समय वो फट जाता है, और फटने के बाद क्लाइंट ना कंपनी पर डाल देता है केस, कहता है रबर बैंड फट गया, और ये केस वो कंपनी पर डाल देता है। अगर रबर बैंड आप अब भी नहीं जानते तो आपने डायलॉग तो सुना होगा, कौन बनेगा डॉम, कौन बनेगा डॉम, कौन बनेगा डॉम। जी हाँ दोस्तों, तो वही रबर बैंड की हम बात करें, यानी कि कॉन्सेप्ट अडल्ट होने वाला है, लेकिन फिल्म के अंदर आपको एक अच्छा सोशल मैसेज देखने को मिल जाएगा, यही अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, फिल्म के अंदर आपको कॉमेडी तो भर के देखने को मिलने ही वाली है दोस्तों। तो इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, उसे भी 14 अक्टूबर को ही सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा दोस्तों। When this incident happened, रात में हुआ, क्या हुआ था रात को, आप जरा विस्तार से बताएंगे। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है डबल एक्सल, जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सतराम रमानी, जिसके लीड रोल में आपको सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आएंगे। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी थोड़ी अलग होने वाली है, जिसमें आपको कहानी दिखाई जाएगी टू यू साइज की वूमेन। जी हाँ दोस्तों, राजश्री त्रिवेदी और साथ में स्यारा खंडा, जो कि दोनों ही बताना चाहती हैं सोसाइटी को जो ब्यूटी होती है वो क्या होती है, यानी कि नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। डबल एक्सल का मतलब है कि मोटापा, यानी कि ये थोड़ी मोटी होती हैं। अब वो मोटी हैं इस वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, वो सारा कॉन्सेप्ट इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। और इस फिल्म का जो टीजर है वो आ ही चुका है और ट्रेलर भी आ ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट ठीक ठाक लग रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो ये फिल्म भी आपको 14 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है सिनेमा घरों में दोस्तों। की डिमांडे हो रखी होती है अलग, ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी सी, इतनी छोटी सी। तुमसे कुछ छोटा बड़ा मांग लिया तो कहाँ जाओगे तुम। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है हेडबुस। हेडबुस एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट करें सोनिया, जिसके लीड रोल में आपको धनंजय पाल राजपूत जैसे कलाकार नजर आएंगे। और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर आपको कहानी दिखाई जाएगी एमपी जयराज, जो कि बेंगलुरु का काफी बड़ा माफिया था। जहां दोस्तों उसी का रोल आपको प्ले करते हुए नजर आने वाले इसमें धनंजय। तो इस फिल्म के अंदर तो आपको बर्बर के एक्शन देखने को मिलने ही वाला है दोस्तों। तो आपको बता दो इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। तो ये फिल्म आपको 21 अक्टूबर को देखने को मिल पाएगी सिनेमा घरों में दोस्तों। तो बात करें नेक्स्ट और लास्ट फिल्म जो होने वाली है हर हर महादेव, जो कि हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया अभिजीत सीरीज देशपांडे ने, जिसके लीड रोल में आपको नजर आने वाले सुबोध भावे। और इस फिल्म की जो कहानी है कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जो मेरे काफी दिल के पास है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा 250 साल से लेकर 300 साल पुराना मराठा साम्राज्य का साम्राज्य, जहाँ पर उनकी ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, कैसे उन्होंने भाई साहब साम्राज्य को स्थापित किया, क्या क्या उनकी थी वहाँ पर चुनौतियाँ, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है इसी फिल्म के अंदर। और देखो ये फिल्म एक मराठी फिल्म वाली, लेकिन इस फिल्म को मराठी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, यानी कि 5 भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जा रहा है, जो आपको 25 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है सिनेमा घरों में, यानी कि ये भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है दोस्तों। तो ये थी 10 और फिल्में जो आने वाली है अक्टूबर के इस महीने में। तो इनमें से और कौन सी फिल्म का आपको इंतजार है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते तो ओटीटी पर आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी मैं आपको बनाकर दूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।